स्पेसिफिकेशन क्या है, प्राइस क्या है। सो जो इंजन डिस्प्लेसमेंट वैल्यू है वो तकरीबन 124.7 सीसी के ये इंजन होगा। जो मैक्सिमम पावर बाइक प्रोड्यूस करेगी वो 14.75 एट 9500 आरपीएम पे होगी। 9500 आरपीएम पे 14.75 हॉर्स पावर ये बाइक प्रोड्यूस करेगी। जो टॉर्क होगा मैक्सिमम वो होगा 11.80 न्यूटन मीटर एट 8000 आरपीएम। नंबर ऑफ़ सिलेंडर्स इसमें एक हैं, नंबर ऑफ़ गियर्स इसमें 6 रहेंगे। सीट की जो हाइट है वो 830 मिलीमीटर के अप्रॉक्स है फ्रॉम द ग्राउंड, एंड ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो 185 मिलीमीटर की है। बाइक का टोटल जो वेट होगा वो 148 केजीज़ है। फ्यूल टैंक की जो कैपेसिटी है वो 13.4 लीटर्स की है। जो कंपनी क्लेम करती है बाइक की टॉप स्पीड वो 120 किलोमीटर्स पर आर की स्पीड ड्यूक 125 आपको देती है। अब इसके कुछ प्रॉज एंड कॉन्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं। जो बाइक का जो प्रॉज की अगर हम बात करें, बाइक का जो लुक है वो बहुत ही स्पोर्टी है और बिल्कुल अपने जो इसकी पुरानी बाइक्स हैं उनसे मिलता जुलता है। कलर उन्होंने वही ऑरेंज और वाइट ब्लैक का कॉम्बिनेशन रखा है कंपनी ने फिर से इसमें। एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी है, डिस्प्ले आपका डिजिटल है, सारी चीज़ें आपको डिजिटल डिस्प्ले में मिल जाती हैं। सॉलिड बिल्ड क्वालिटी है, जो उसका फ्रेम है वो काफ़ी सॉलिड है। ब्रेकिंग सिस्टम अगेन KTM के ब्रेकिंग सिस्टम बहुत अच्छे हैं और जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो काफ़ी एफिशिएंटली काम करते हैं। स्पोर्टी राइडिंग पोजीशन है, जब आप इस 125 सीसी की बाइक को भी चलाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी स्पोर्ट्स बाइक को राइड कर रहे हैं। ओवरऑल एक अच्छी बाइक है। वाइब्रेशंस अभी तक टेस्ट ड्राइव नहीं ली है हमने, बट फिर भी जो अभी तक लोगों ने क्लेम करा है दूसरी कंट्रीज़ में, जो लोगों ने रिव्यू करा है बाइक को, वाइब्रेशंस बहुत कम हैं। बट कुछ कॉन्स ऐसे हैं जो मतलब इस सेगमेंट की बाइक में 1,20,000 जो हम लोग एक्सपेक्टेड प्राइस मान के चल रहे हैं इस बाइक का, वो थोड़ा सा ओवर प्राइज्ड है। किसी भी 125 सीसी की बाइक के लिए 1,20,000 थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर ये बाइक लॉन्च होती है 90,000 के अप्रॉक्स तो ये जो बाइक का प्राइस है वो ठीक होता है। बट फिर भी अभी जब बाइक लॉन्च होगी तब पता चलेगा एक्चुअल प्राइस क्या है, ऑन रोड प्राइस बाइक का क्या पड़ रहा है। अभी तक जो बाइक देखने में जो पिक्चर्स में है वो बहुत ही अपीलिंग है, बहुत ज़्यादा कैची है। मिड सेगमेंट को मासेस के लिए ये बाइक बनाई जा रही है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो डेली यूज़ के लिए या फिर बजट कॉन्शियस होते हैं, उन लोगों के लिए बाइक है जो KTM लॉन्च करने जा रहा है इंडिया में। और इसकी जो एक्सपेक्टेड डेट रहेगी वो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा जैसे ही ये बाइक लॉन्च होती है। मैं कोशिश करूँगा कि मेरे को जैसे ही बाइक लॉन्च हो तो इसकी एक टेस्ट राइड मिले, सो दैट मैं रिव्यू कर पाऊँ पूरी बाइक को, पूरी बाइक के परफॉर्मेंस को, और आप लोगों को एग्जैक्ट बाइक के बारे में मैं अपना रिव्यू दे पाऊँ।